कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़े नहीं, इसीलिए सुरक्षा हेतु केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन की घोषणा की। ऐसे में शहर में सभी दुकानें बंद है, साथ ही शहरवासी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस लॉकडाउन का सीधा असर अब रास्तों पर रहने वाले जनता पर हो रहा है, उनको दो वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया। इनके इसी समस्या को देख शहर के पंचशील युवा मंडल ने इन्हें खाना देने का जिम्मा उठाया। मंडल के युवा लोग सहभाग से रोज शहर के विविध जगहों पर जाकर खाना बांट रहे हैं। पंचशील युवा जयंती मंडल के ओर से उनटखाना में एनआईटी गार्डन के पास में ये कार्यकर्ताओं के बीच में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि कोरोना बाधित नागपुर शहर में जो सर्वसामान्य भूखे प्यासे लोग रास्ते पे कहीं बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास या आमदार निवास, मेडिकल कॉलेज के आसपास में जो लोग रह रहे हैं, पीड़ित है, रोगियों के रिश्तेदार है, ऐसे लोगों के लिए भोजन दान की व्यवस्था की गई है। ये पंचशील युवा मंडल के हमारे सभी युवा कार्यकर्ता इसमें लोक वर्गणी से, जनता के सहयोग से भोजन दान में बहुत सारे लोग शरीक है, और ये भोजन दान के आज के कार्यक्रम में प्रमुखता से युवा लोग उपस्थित है। हम इनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो महाराष्ट्र पुलिस शासन है वो भी अपनी अमूल्य सेवा शहर के कोने कोने में हर चौरस्ते पे दे रहे हैं, उनके लिए भी पानी की बॉटल की सुविधा की गई है। उसी तरह स्नैक्स में चूड़ा और ग्लूकोज के बिस्किट पॉकेट भी हम लोग बांट रहे हैं। इसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और कोरोना से लड़ना चाहते हैं कि भारतवर्ष में जो कोरोना का सिलसिला मचा है इससे निपटारा करने के लिए हम लोग अपने संघर्षरत जीवन में दान का उपयोग, लोगों की सहायता, औषधि अन्न पानी के लिए अवश्य प्रयत्न करेंगे, और नागपुर के शहर के कोने कोने में हम लोग जाकर जो भोजन पानी का बंदोबस्त अपने यथाशक्ति कर रहे हैं। इसलिए पंचशील युवा मंडल को मैं नागपुर के धम्मगुरु भदंत बोधिरत्न उनको साधुवाद देता हूँ।